शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक पोस्टर पूरी दिल्ली में चुपके चुपके लगवा दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर से पोस्टर लेकर निकलते लोगों को पुलिस ने दबोच लिया तो केजरीवाल के इस खेल का पूरा भांडा ही फूट गया। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने करीब 100 FIR दर्ज किए। इन पोस्टर्स पर लिखा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक ने बताया कि पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए गए, जिसको लेकर अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन आपत्तिजनक पोस्टर्स में प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी नहीं है। स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक ने कहा कि अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन पोस्टर्स का लिंक आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दीपेंद्र पाठक ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकलते ही वैन को पुलिस ने रोका था, जिसमें से कई पोस्टर्स जब्त किए गए और मौके पर कुछ गिरफ्तारियां भी की गईं। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ति विरूपण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूरे दिल्ली शहर से करीब 2000 पोस्टर्स को हटाया गया। स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक ने बताया कि आम आदमी पार्टी कार्यालय से निकलते हुए जिस वैन को रोका गया, उसे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि उसके मालिक ने उसे यहां ये पोस्टर्स की डिलीवरी के लिए भेजा था। दीपेंद्र पाठक ने कहा उसने एक दिन पहले भी पोस्टर्स की डिलीवरी की थी। पुलिस के मुताबिक 2 प्रिंटिंग प्रेस फर्म्स को 50,000 पोस्टर्स बनाने के ऑर्डर्स दिए गए थे और कंपनी से जुड़े कर्मचारियों ने पोस्टर्स को अलग अलग इलाकों में लगाया। अपने प्रिंटिंग प्रेस का नाम पोस्टर पर प्रकाशित नहीं करने के आरोप में मालिकों को गिरफ्तार किया गया। DCP नॉर्थ वेस्ट जितेंद्र मीणा ने जिले में 20 प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की और कहा कि उन्होंने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। एक अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर प्राथमिकी सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के तहत दर्ज की गई। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।